वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। बच्चे आप सैकेंड चैप्टर कर रहे थे उस लास्ट टॉपिक करना सी। वैसे मैं तुम्हें कहा कि एक बार वह डिफरेंस वेखियो बट मैनू नहीं लगता कि बच्चों ने देखा होएगा, बट आप एक बार फिर भी कर लें जो डिफरेंस कहदे विच है कैश सिस्टम दे विच ते मर्केंटाइल सिस्टम। हुण देखो कैश का मतलब है कि जिहड़ियां तुसीं हर एक कोई भी काम आ कहदे उत्ते करदे जो ट्रांजैक्शन कोई भी कैश उत्ते करदे जो। मर्केंटाइल का मतलब यह होंदा कि तुसीं कैश ते भी कर सकदे जो, कॉम्बीनेशन हाइब्रिड है ना, जिद्दां कॉम्बीनेशन का मतलब कैश ते भी कर सकदे जो ते क्रैडिट ते भी कर सकदे जो। समझ आ रही है? दिस मैथड डज नॉट गिव द एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। कहिंदे कि ये सिस्टम कैश सिस्टम आ। मैं तुहानू पहलां भी कल भी दस्या सी कि इहदे विच आपां नूं पूरा करैक्ट नहीं पता लगता कि सानूं प्रॉफिट होया जां लॉस होया। दिस मैथड गिव द प्रॉफिट और लॉस फिगर मोर एक्यूरेटली। इहदे विच तुहानूं प्रॉफिट और लॉस फिगर ज़्यादा वधिया पता चल जाती। इट रिकॉर्ड्स द रिसीप्स एंड पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर वादर दीज रिलेट टू द करंट पास्ट और फ्यूचर ईयर। बच्चे रिसीप एंड पेमेंट का, रिसीप का मतलब हुंदा पैसा आया, पेमेंट का मतलब पैसा दिता। कहिंदा इह उह चीज़ां रिकॉर्ड करदा वा जिहड़ियां सिर्फ करंट ईयर के नाल रिलेट होंगे ड्यूरिंग द ईयर। वैदर दिस रिलेट टू द करंट और पास्ट ईयर मेड ड्यूरिंग द ईयर। कहिंदा कि उस ईयर दियाँ करूगा होर के अगले पिछले ईयर दियाँ नहीं रिकॉर्ड करूगा। बट कहिंदे मर्केंटाइल दे विच इट रिकॉर्ड्स द रिसीप्स एंड पेमेंट्स मेड एंड टू बी मेड फॉर द करंट ईयर ओनली वैदर दीज आर पेड इन द पास्ट करंट और फ्यूचर ईयरस। कहिंदा वा कि तुसीं पेड भावें उन्होंने इहदे विच मर्केंटाइल दे विच की कह रहा है कि भावें जिहड़ा भी कोई है तुसीं इसे साल दे विच मन के चलना वा कि उह चीज़ नूं आपां पे किया, भावें तुसीं उन्हूं पिछले साल पे किया। इस साल के पैसे 2020 के पैसे तुसीं 2019 च पे करते जां 2021 च पे किते, बट तुसीं उन्हूं लिखोगे कि इहदे विच 2021 के पैसे 2020 च पे करते, एडवांस च पैसा पे करता, पर तुसीं लिखोगे किहड़े अकाउंट दे विच 2020 दे विच। दिस सिस्टम इज़ फॉलोड बाय डॉक्टर्स इंजीनियर्स क्लब्स सोसाइटीज़। ये मैं तुम्हें पहले ही समझाया सी कि ये कौन कौन, क्योंकि डॉक्टर्स भी हमेशा कैश से ही चलते हैं, कभी उधार से नहीं चलते। इंजीनियर्स भी कैश से, क्लब्स भी, सोसाइटीज़ भी। बट कहते ये मैथड कौन, मर्केंटाइल मैथड क्रैडिट वाला मैथड कौन यूज़ करता वा? ये मर्केंटाइल का मतलब कॉम्बीनेशन ऑफ कैश से क्रैडिट। तो मर्केंटाइल के कौन चलता वा? बिजनेस कंसर्नस। ठीक है, सिंपलिसिटी। दिस मैथड इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस। कहता कि सू कैश का मतलब ये एक सिंपल मैथड है, जिन्ना पैसा है वो रिकॉर्ड करी जाओ, जिन्ना के तौर रिकॉर्ड करी जाओ। दिस मैथड इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग टेक्निकलिटीज़। कहता कि ये मैथड अकाउंटिंग टेक्नैलिटीज़ मतलब कि ये टेक्निकल काम हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ का जो कोई चीज़ क्रैडिट पर करनी है दैट मीनस कि तुहानू पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटेंट नू पूरी नॉलेज होनी चाहिए, एंड जो अकाउंटेंट नू पूरी नॉलेज होगी फिर ही कर सकता है। ठीक है जी। ट्रू एंड फेयर व्यू दे विच की आना मैं, ट्रू एंड फेयर पोजिशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी असेंटेड अंडर दिस सिस्टम। दिस सिस्टम कहते हैं कि ये ऑबवियसली जो ये करैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होना, तो ये करैक्ट पोजिशन भी नहीं दिखनी। पोजिशन का मतलब कि किन्में फस्ट नंबर पर या दूजे नंबर पर या बिजनेस या तीजे नंबर पर। कहता ये दिस सिस्टम मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी लॉ, देयरफॉर इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इट रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजैक्शन ओनली। उही गल होगी ना, ये कि ट्रांजैक्शन आदि कैश एंड ये आन कैश एंड क्रैडिट। दिस सिस्टम डज नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल का मैं तुम्हें कहते कि ए वाले सिस्टम के नहीं दसया जाता कि आइटम कैपिटल है। कैपिटल मतलब कि पैसा जोड़ा वो कैपिटल भी ये एंड कि पैसा छोटे वे रेवेन्यू का मतलब छोटा वे। ठीक है, दिस सिस्टम मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। ये पता चल जाता वा कि कैपिटल आइटम्स केड़िया वा, कैपिटल मतलब कि पैसा अपन बहुत वे अमाउंट आया तो कि पैसा अपन बहुत घट अमाउंट आया, एंड घट अमाउंट जोड़ा होगा रेवेन्यू होगा। ये वेखो मैचिंग प्रिंसिपल, दिस सिस्टम डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब यह होंगे कि इस साल का पैसा तो अगले इस साल का जो तो 10,000 इनकम है तो 10,000 तुहाडा खर्चा भी होना चाहिए। यह मतलब पर यह वाले मैथड के कहते इनकम 10,000 हो खर्चा वध कर लेंगे समझ आई। ये दिस मैथड फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल। ये आप पूरा करैक्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस दसना, तो जो करैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस दसना तो आप दसते हैं कि 10,000 मेरे को ही तो मैं 10,000 कितने खर्चे। ठीक है जी। लास्ट वन इज़ दैट कंसिस्टेंसी। देर इज़ नो कंसिस्टेंसी इन द कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयरस। कंसिस्टेंसी का मतलब होंगे वा कि तुम कंसिस्टेंट भी रहेंगे। कंसिस्टेंट का मतलब देखो, देर इज़ कंसिस्टेंसी इन द कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर। कंसिस्टेंसी का मतलब होंगे कि
सेम तरह का ठीक है कहिंदे कि इहदे विच हुंदा वा कि कैश सिस्टम दे विच कि तुसीं सेम मैथड फॉलो करी जांदे जो हर साल सेम मैथड बट ते एंड तुहाडे प्रॉफिट जिहड़े ओह रलदे मिलदे हुंदे बट इहदे विच ओबवियसली किसे वेले बिजनेस ने ज़्यादा वधिया परफॉर्म करता तो बिजनेस नूं प्रॉफिट क्यों होगा बहुत ज़्यादा होगा किसे वेले मैनेजर ने नहीं वधिया परफॉर्म किया तो बिजनेस नूं घाटा भी हो सकता ठीक है दैट नैक्सट वन इज़ दैट आपां इलस्ट्रेशन करांगे ठीक है जी इलस्ट्रेशन करन लई देखो कैलकुलेट रेवेन्यू फॉर तो रेवेन्यू का मतलब कि इनकम कढ़ो रेवेन्यू का मतलब सेल्स किन्नी की ठीक है रेवेन्यू का मतलब यही होता ना कि बिजनेस ने सेल्स किनिया कि एक साल के हूँ फस्ट ऑफ ऑल इन्ना ध्यान रखना वा कि तुम्हें यह चीज़ वेखनी है कि ईयर किहड़े ईयर की कैलकुलेट करनी ईयर कि 2018 तो 2019 ईयर कि 2018 तो 2019 यदा मतलब सिंपल जहा है 2018 का मतलब यो है कि ईयर कितों शुरू होया 1 अप्रैल 2018 एंड खत्म कदों होया 31 मार्च 2019 समझ आ रही है ना मेरी गल दी जो दो ईयर कट्ठे होने यदा मतलब यह होंगे कि ईयर विचकारों शुरू है विचकारों कितों शुरू है एक अप्रैल 2018 तो खत्म कदों हुआ 31 मार्च 2019 इन्नी समझो सारा नालों पहला यह चीज़ वेखी दी ईयर केड़ा बनना उन्हें सीधी जी गल कही है ईयर केड़ा वा 2018 तो 2019 ठीक है जी हुण इहदे विच वेखो रेवेन्यू रिसीव्ड कहिंदा पैसा किन्ना आया वा ईयर दे विच उस साल तां 2018 2019 विच पैसा किन्ना आया 2500 रुपया किन्ना आया 2500 2018 च किन्ना आया 2500 रुपया आया गल समझ आ रही ठीक है जी उस तो बाद रेवेन्यू अक्रूड बट नॉट रिसीव कहिंदा कोई पैसा सी जां सेल्स कीतियां सी आपां कोई भी कीतियां होण बट नॉट रिसीव्ड मतलब ये कहने का मतलब यह है कि आउटस्टैंडिंग गल समझ आई बट मैनू मिलिया नहीं आउटस्टैंडिंग आ बट मैनू आउटस्टैंडिंग का मतलब आ रेवेन्यू अक्रूड का मतलब हूँ आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग आ बट नॉट रिसीव का मतलब कि लैना किसी को पैसा लैना वा बट उन्हें हाले तक मैनू दिता नहीं आ दैट मीनस कि किसी ने दिता नहीं हूँ इन्ना ध्यान रखो जो तुम्हें घर के किसी को पैसे उधार दते हो तो कहते जो ना मैं तो पैसा लैना तो कभी ना कभी सोचते जो ना कि पैसा मैं लै लैना आ तो जाना ना तो दैट मीनस कि कहें कि वह पैसा आना वा बट आया नहीं बट तुम सोच के तो रखे ना आना दैट मीनस कि वो 700 दैट मीनस 700 की हो गया प्लस हो गया गल समझ आ गई दैट मीनस 700 की हो गया प्लस हो गया गल समझ आ रही है मेरी इतने की रखोगे रेवेन्यू आउटस्टैंडिंग ठीक है जी जक्रूड अक्रूड का मतलब होंगे आउटस्टैंडिंग समझ आ रही है हम रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस कोई पैसा तुम पहला ही 2018 तो 2019 के साल तो पहला ही रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब तुम पहला ही लै चुके जो तुम किसी को फॉर एग्जाम्पल ताे जिदा ताकि सैलरी है ठीक है सैलरी आनी ही तो तुम सैलरी अपने की कहें किसी कहता पहला कि जिदा कि मैं पैसों की जरूरत आ तो मैं सैलरी पहला ही दे तो उन्हें 500 रुपया फॉर एग्जाम्पल तू पहला ही देता दैट मीनस कि तू इस मंथ की सैलरी तू पहला ही मिल चुकी यदा मतलब इस मंथ नहीं मिलेगी इस साल नहीं मिलेगी आप साल लैके चलन दे इस साल जो नहीं मिलेगी दैट मीनस कि तुम पहला लै चुके हो दैट मीनस कि 500 रुपया की हो गया माइनस हो गया गल समझ आ रही है मेरी कि नहीं आ रही सो 2700 इज योर रेवेन्यू ये ध्यान दे नाल चलो देखो उन्हें की लिखा वा कि 2500 रुपया उन्हें रिसीव कर लिया पहले 2500 रुपया उन्हें इनकम हुई इस साल की बट वो की कह रहा है कि एक चीज़ आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब हले मिली नहीं है तो मैं तुम्हें पहला ही ये दसा कि जो तुम किसी कोई पैसा लैना हों तो पैसा लेंदे जो किसी को उन्हें हले नहीं दिता बट तुम हमेशा ही मन के चलते हो कि पैसा लै लेना दैट मीनस 700 रुपया मिलेगा तुम इस साल के मिल जाऊगा बट वो 500 रुपया इदा का वा कि जोड़ा तुम की किया वा 500 रुपीज़ इदा का वा कि जिहड़ा तुसीं किसे नूं देता वा जिद्दां आपां कह दिंदे आ कि तुहानूं पहले आउट फॉर सॉरी दिता नहीं है रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस क्योंकि तुसीं पैसा पहला ही लै चुके जो इहदा मतलब जिहड़ा तुसीं पैसा पहला ही लै चुके जो फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं पहला समझाया कि तुहाडी सैलरी है सैलरी तुसीं एक साल की एडवांस च ले ली आ तुहानूं इस साल जिद्दां 30,000 रुपया मिलना है मैं तुहानूं समझाउंदी हां पूरे साल की सैलरी कि नहीं 30,000 तुसीं 2020 च लैनी सी 2020 की सैलरी बट तुम कदों ले ली एडवांस ली 2019 वो पैसा 20,000 तुम 30,000 तुम कदों मिल गया 2019 इस साल तो नहीं मिले ना यद मतलब इस साल वो पैसा की होया तो अकाउंट चो की हो गया माइनस जा प्लस होना ही हूँ की हो गया माइनस इदा ही 500 भी प्लस होना ही बट हो गया माइनस क्यों क्योंकि तुम 500 पहला ही लै चुके जो ठीक है जी
नेक्स्ट वन इलस्ट्रेशन इज दैट रेंट पेड इन 2017 वाज 4000, दिस इंक्लूड रेंट फॉर द ईयर 2016, 2017, 200 एंड 300, 2018, 2019। हुण इहदे विच ध्यान नाल उहने पहला साल नाल पहला मैं तुहानूं कहा वी कि इहना अकाउंट किहड़े साल दा बनाउणा, अकाउंट किहड़े साल तों बनाउणा, 2017 ते 2018 दा। इहदे विच वेखो हुण 2017 ते 2018 दा बनाउणा, हुण वेखो सानूं पहला 2017 च ते 2018 च उहने किन्ना रेंट पे किया, देखो किन्ना रेंट पे किया 4000, 2017 च पे किया, 2018 च किन्ना पे किया 4000, किन्ना पे किया बच्चे 4000, ठीक है। दिस इनकलूड रेंट फॉर कहिंदा इहदे विच 4000 दे विच जिहड़ा तुसीं पे किया वा 2016 दा, 2017 दा भी तुसीं पे किया, इहदा मतलब पिछला रेंट भी पे किया, दैट मीन 200 रुपया माइनस किया, किन्ना आ गया 3800। इसे साल तुसीं 200 रुपया की किया वा माइनस किया, क्यों? क्योंकि तुहाडे कोल रेंट आया सी 4000 रुपया, उहदे विच मन के चलो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं समझाउंदी इहदे विच, कहिंदा इहदे विच ही 200 कादा इनकलूड आ 2016 2017 दा, ते इहदे विच इनकलूड किहड़ा वा 2018 ते 2019 इनकलूड दा, मतलब इहदे हुण वेखो आपां अकाउंट बनाउंदे आ 2017 ते 2018 दा, इहदे विच 200 रुपये कहिंदा इहदा पूरा पैसा किन्ना 4000, कहिंदा इहदे विच मैं की कीता वा 4000 पे कीता रेंट, बट इहदे विच 200 रुपया किहड़ा पे कीता वा, किहड़ा पे कीता मैं 200 रुपया किहड़ा पे कीता 2016 दा ते 2017 दा ते 2017 दा ते 18 दा, 2017 दा ते 18 दा मैं पे किया। गल समझ आ रही है मैनू, 2017 दा ते 2018 दा पे किया, किन्ना पे किया 200 रुपया पे किया। इहदा मतलब ये आ कि इस बार उन्हें किन्ना पे करता, इहदे विचों 200 रुपया 4000 चों पे किया, इहदा मतलब इस साल दा उहदा रेंट किन्ना है 3800। बट फिर वो अगे की शो कर रहा है कि उन्हें की किया अगले साल दा भी पे किया, इहदे विचों ही किन्ना पे किया, उस साल किन्ना पे किया 300, दैट मीनस 300 फिर उन्हें होर पे किया, रह किन्ना गया 3500 रुपया। इहदा मतलब इस साल दा रेंट किन्ना सी 3500 ही, बाकी जिहड़ा उन्हें टोटल 4000 पे किया 200 पिछले साल दा ते 300 अगले साल दा। गल समझ आई, इहदा मतलब करंट ईयर दा किन्ना वा 3500 रुपया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चे।